हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 13 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे प्रॉप्स क्लास कंपोनेंट्स के साथ में। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था प्रॉप्स विद फंक्शन कंपोनेंट के साथ में कि किस तरीके से यूज करना चाहिए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। अगर वो वीडियो मिस हो गई है आपकी तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। क्लास कंपोनेंट के ऊपर मैं प्रॉप्स के साथ में इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि अगर आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है कि प्रॉप्स को किस तरीके से यूज करते हैं क्लास कंपोनेंट में, तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए और आप उसको एक आंसर दे सके परफेक्ट। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जस्ट की गाइस, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया रिएक्ट ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड गाइस, जस्ट की मैंने सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स आपको हर एक वीडियो में बताए डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाए एंड आप फॉलो कर सकते हैं, आप वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ में। एंड फ्री सोर्स कोड आपको कहां से मिलेगा, हमारी वेबसाइट एंड गिटहब के पेज से। तो इस चीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जाके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए यहां पे देखते हैं सबसे पहले आपका तो प्रॉप्स इन रिएक्ट। ये मैंने पिछली वीडियो में ही आपका थ्योरी का पार्ट रखा था, उस थ्योरी के पार्ट में मैं आपको डिटेल में कवर नहीं करूंगा क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको आइडिया होगा कि प्रॉप्स क्यों यूज करते हैं। और प्रॉप्स की फुल फॉर्म अगर कोई आपसे पूछे तो प्रॉपर्टीज कह सकते हैं आप, और ये रीड ऑनली के लिए होता है पेरेंट टू चाइल्ड। ओके, जितनी भी आपको जैसे डेटा है बहुत सारा, एपीआई का डेटा बहुत सारा है, आप चाहते हैं कि आपने बहुत सारे कंपोनेंट्स बना रखे हैं राइट, चार पांच जितने भी आप चाहते हैं उसमें पासिंग करना, वो डेटा डायनेमिकली जाना, तो फिर वहां पे आपका प्रॉप्स के थ्रू हम इन चीजों को कर पाते हैं। ओके, और प्रॉप्स क्या है आपका, आप कह सकते हैं सिंपल एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स की तरह होते हैं। क्लास कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, दिस का यूज करते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी जब मैंने आपको डिफरेंस बताया था फंक्शन कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट के बीच में, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि क्लास के साथ में हम दिस का यूज कर सकते हैं जहां पे कंसेप्टर एंड सुपर का मैंडेटरी यूज होता है। फंक्शन कंपोनेंट के अंदर जब हमने देखा था पिछली वीडियो के अंदर तो हम डायरेक्टली प्रॉप्स को एक्सेस कर पा रहे थे, बट यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है। ओके, तो यही है आपका छोटा सा थ्योरी का पार्ट गाइस। चलिए यहां पे मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से क्लास कंपोनेंट के अंदर आप प्रॉप्स को यूज कर सकते हैं। तो यहां चलते हैं अपने एडिटर पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद में यहां पे हमारे पास में फाइल खुली हुई है app.js, ये हमारी फाइल है। प्रॉप्स देखेंगे हम रिएक्ट के अंदर। ओके, और इसका आउटपुट जो मिलेगा हमें, आउटपुट यहां पे देखने को मिलेगा। यहां पे इसके कंसोल को ओपन कर लेते हैं और कंसोल में ही हमें सारी की सारी चीजें देखने को मिलेंगी यहां पे। तो देखिए, हमारे पास में जो अभी फंक्शन कंपोनेंट है ना, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा हमें क्लास कंपोनेंट के अंदर, फिर जाके हम इसको यूज कर पाएंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास डिफाइन करते हैं, पैरेंथेसिस हटाते हैं यहां से, एक्सटेंड। ओके, एक्सटेंड में आपका या तो आप कुछ इस तरीके से दे सकते हैं रिएक्ट डॉट कंपोनेंट करके। अगर आपको ये मेथड नहीं यूज करना तो मैंने आपको बताया था इंपोर्ट रिएक्ट कॉमा कर्ली ब्रेसेस में आप कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे तो आपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा ही रखा है। रिटर्न से पहले हमें रेंडर चाहिए होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रेंडर ले लेते हैं और जो रिटर्न है हमारा इसको यहां से करते हैं कट पेस्ट, जिससे कि ये हमारा पूरा का पूरा क्लास कंपोनेंट बन चुका है। इसका अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो अभी भी हमें आउटपुट विजिबल हो रहा है ब्राउजर पे। चलिए यहां पर चलते हैं। अब इसके बाद में एक कंपोनेंट बनाते हैं, सबसे पहले यहां पर एक नई फाइल बना रहा हूं मैं, यूजर लिस्ट कर लेते हैं। ओके, एंड JSX ये हमारी एक फाइल हो गई। इस फाइल को हम क्या करने वाले हैं, इस फाइल पे हम जो भी हमारा डेटा आएगा प्रॉप्स के थ्रू वो हम यहां पे प्रिंट करवाएंगे। और इसको कंपोनेंट को क्लास कंपोनेंट बनाने के लिए शॉर्टकट क्या है आपके पास में, जो एक्सटेंशन हम यूज कर रहे हैं RCC। ओके, जैसे आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आप देखेंगे, देखिए आपका कंपोनेंट का, क्लास कंपोनेंट का स्ट्रक्चर यहां पर रेडी हो चुका है। ओके, अब इसके बाद में हम इस करते हैं यहां पर रिमूव। रिमूव करने के बाद में यहां पर H1 ले लेंगे एक, ये है हमारा यूजर लिस्ट। ओके, ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया। इसके बाद में चलेंगे हम app.js पे। यहां पे हम क्या करेंगे, जो हमने अभी कंपोनेंट बनाया है उसको इंपोर्ट करवाना है हमें। तो यूजर लिस्ट है हमारा, ये देखिए, इसको जैसे ही हमने यहां पे करा इंपोर्ट, यहां पे ऑटोमेटिक आपका इंपोर्ट यहां पे हो चुका है। ओके, इसके बाद करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे यूजर लिस्ट विजिबल हो भी रहा है आपके पास में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप प्रॉप्स पास कर सकते हैं। मानिए कि आपको स्टैटिक वैल्यू को पास करनी है, तो मानिए मैं नेम पास कर रहा हूं यहां पे। ओके, और नेम में मैं अपना नाम पास कर देता हूं, मानिए भास्कर गुप्ता। ओके, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद में ये प्रॉप्स मेरे को यहां पर चाहिए यूजर के ऊपर। ओके, यूजर लिस्ट के यहां पर। तो सबसे पहले कंसोल आप प्रिंट करवाएंगे। ओके, कंसोल में आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से, तो यहां पर दिस लगाना मैंडेटरी है क्लास कंपोनेंट में, दिस डॉट प्रॉप्स। ओके, करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद में ब्राउजर पे चलेंगे अगर, तो ब्राउजर पे आने के बाद में आप देखेंगे तो देखिए
नेम में आपकी वैल्यू मिल रही है भास्कर गुप्ता। अब इस चीज को आपको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट कैसे करवाएंगे आप यहां पे क्लास यूजर लिस्ट के ऊपर, तो यहां पे हम क्या करते हैं पी ले लेते हैं, ये हमारा पी है कर्ली ब्रेसेस दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। ओके, कुछ इस तरीके से आपको यहां पे प्रिंट करवाना होगा दिस डॉट प्रॉप्स। ओके, करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद चलेंगे वापस हमारे ब्राउजर पे, आपको यहां पे विजिबल हो रहा होगा कि भास्कर गुप्ता यहां पे प्रिंट हो चुका है। ओके, अब मानिए कि मल्टीपल आपको प्रॉप्स पास करने होंगे तो कैसे कर सकते हैं आप वो, तो यहां पे आपको मानिए मैं एक ईमेल लेता हूं और ईमेल में एक डमी जो भी आपकी ईमेल आईडी हो वो मैं डमी यूज कर रहा हूं अभी, यहां पे मैंने ईमेल आईडी का प्रॉप्स बना दिया है। अगर मैं अभी आपको सेव करके दिखाऊं कंसोल में क्या आ रही है वैल्यू, तो यहां पे चलेंगे ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे ईमेल प्लस नेम, और नेम तो हम ऑलरेडी प्रिंट करवा चुके हैं बट ईमेल यहां पे आपको दिख रहा होगा कंसोल में आ रहा है। अब इसको भी कैसे प्रिंट करवा सकते हैं आप, सेम जैसे अभी मैंने ये पी लिया था वैसे एक और पी ले लेंगे हम, कर्ली ब्रेसेस दिस डॉट प्रॉप्स डॉट ईमेल, करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद ब्राउजर पे चलेंगे एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दोनों वैल्यू प्रिंट होते हुए दिख भी रही है। और प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना भी सकते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ में लूप कैसे चला सकते हैं कंपोनेंट का, उस कंपोनेंट में भी आप वहां सारी वैल्यू भेज सकते हैं, सेम वो मेथड आप क्लास कंपोनेंट के साथ में भी यूज कर सकते हैं गाइस। ओके, अब मानिए कि आपको ऐसे प्रिंट नहीं करवाना था, आप चाहते हैं डिस्ट्रक्चरिंग करना, तो कैसे कर सकते हैं आप, मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा अभी एंड कमेंट करने के बाद में यहां पे मैं कॉन्स्ट लिखूंगा, कॉन्स्ट के बाद में कर्ली ब्रेसेस, मैं नेम लूंगा, ईमेल लूंगा, ओके एंड दिस डॉट प्रॉप्स, क्योंकि मैं बार बार लिखना नहीं चाहता दिस डॉट प्रॉप्स, तो यहां पे सबसे इजी तरीका है उसको डिस्ट्रक्चरिंग करने का क्लास कंपोनेंट में भी, आप यहां पे लेंगे पी कर्ली ब्रेसेस नेम प्रिंट करवा देंगे तो सिंपल आपका नेम प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने नेम आपका डिस्ट्रक्चर करवाया एंड देन इसके बाद में ईमेल, ये देखिए करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे, देखिए आउटपुट आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ है, अगर मैं रिफ्रेश भी कर दूं एक बार और तो देखिए, तो ये वाला मेथड भी आपको मिलता है गाइस। अब इसके बाद में मानिए कि आपको ऑन क्लिक पे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ऑन क्लिक पे स्टेट के साथ में आप कैसे कर सकते हैं क्लास कंपोनेंट में, तो चलिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एप डॉट जीएस में आपको आना होगा, app.js में आने के बाद में आप क्या करेंगे यहां पे, अभी मैं क्या करता हूं इसको कर लेता हूं कॉपी और इसको कर देते हैं कमेंट। ओके एंड यहां पे आने के बाद में एग्जांपल 2 कर लेते हैं और इसी को यूज करेंगे हम, ठीक है। अब इसको यूज करेंगे तो यहां पे हम क्या करते हैं एक बटन बना लेते हैं, बटन में मैं क्या करता हूं अपडेट, ओके प्रॉप्स, करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद में ब्राउजर पे चलेंगे अगर, तो देखिए हमारा बटन आ चुका है यहां पे। इसके बाद में अब app.js पे आपको यहां पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टर लेना होगा, तो कंस्ट्रक्टर लेंगे ये देखिए, ओके इसके बाद में मैंने आपको सुपर बताया था क्योंकि दिस यूज करना है हमें, दैट्स व्हाई। इसके बाद दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस एंड कर्ली ब्रेसेस में हमारे पास में जो वैल्यू है मानिए कि भास्कर गुप्ता है, मैं यही वैल्यू आपकी डायनेमिक बना रहा हूं अभी, तो ये हमने नेम ले लिया जो कि स्टैटिक वैल्यू है, आप नल भी ले सकते हैं अनडिफाइंड भी ले सकते हैं वो आपके ऊपर है। अब मानिए मैंने नेम ले लिया, अब नेम मेरे को डायनेमिक भेजना है तो मैं यहां क्या करूंगा, सबसे पहले इसे रिमूव करूंगा, यहां कर्ली ब्रेसेस लेंगे, यहां नेम को पास कर देंगे सिंपल, ओके। और ये नेम हमें कहां से मिल रहा है, नेम मिल रहा है यहां से। अब देखिए डायरेक्ट नेम हम लिख रहे हैं तो वो नहीं चलेगा यहां पर, हमें यहां पर दिस डॉट लगाना होगा स्टेट के साथ में, ये देखिए क्योंकि स्टेट के साथ में हम उस चीज को पास कर रहे हैं ना। करेंगे सेव एंड सेव करने के बाद में यहां चलेंगे ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद देखेंगे अभी भी आउटपुट सेम है हमारा, ओके। अब आप बटन पे क्लिक करने के बाद में कैसे अपडेट कर सकते हैं इसको, तो हम यहां पे बनाएंगे ऑन क्लिक का फंक्शन, ये देखिए ऑन क्लिक कर्ली ब्रेसेस, मैं यहां पे एरो फंक्शन लूंगा, यहां पे एरो फंक्शन में हम क्या करेंगे दिस डॉट सेट स्टेट, सेट स्टेट के अंदर हम क्या करेंगे यहां पे कर्ली ब्रेसेस नेम, नेम के बाद में यहां पे वैल्यू दे देंगे जो भी हमें वैल्यू चाहिए ऑन क्लिक के बाद में, सिंपल, ओके। अब ये मिला कैसे मेरे को, यहां पे हमने क्या करा, सबसे पहले स्टेट में इनिशियल वैल्यू को यहां पे डिक्लेयर करा, जो हमने पास कर रखा था वही इस कंपोनेंट में यहां पे प्रिंट भी हो रहा है, तो हमें ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहां पर हमने क्या करा, बटन पे क्लिक करने के बाद में बस हमने उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। चलते हैं ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद में करेंगे क्लिक, क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे, देखिए कोड फॉर एजुकेशन यहां पर चेंज हो चुका है।
जैसे हम क्लिक करते हैं ना तो वो रीरेंडरिंग करता है। ओके, इट मींस कि जब कभी भी किसी भी कंपोनेंट के अंदर कोई भी स्टेट चेंज होती है तो वो दोबारा रीरेंडरिंग होती है गाइस। ओके, उस कंपोनेंट की। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा नेम, नेम की वैल्यू यहां पे चेंज हो चुकी है। ओके, इससे पहले भास्कर गुप्ता लिखा हुआ आ रहा था, अब यहां पे आपको कोड फॉर एजुकेशन लिखा हुआ मिल रहा है आपको। तो ये है आपका क्लास कंपोनेंट गाइस, कि क्लास कंपोनेंट में किस तरीके से प्रॉप्स पास कर सकते हैं, स्टेट के साथ में कैसे आप काम कर सकते हैं क्लास कंपोनेंट में। अगर आपसे इंटरव्यूअर आप क्वेश्चन पूछेगा तो आपके पास में एक बेसिक आइडिया है जिसको आप आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं पहले गाइस। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका रिएक्ट जेएस के अंदर गेट इनपुट बॉक्स वैल्यू, इट मींस कि जो फॉर्म होता है फॉर्म के बिना भी हम कैसे इनपुट की वैल्यू गेट कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।